प्रदेश के कृषि उद्यानिकी और खाद्य मंत्री सचिन सुभाष यादव अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान गुरुवार को कसरावत जनपद के ग्रामीण चंदनपुरी, कोठापुरा, अवरकच्छ, रामपुरा और बामखल में 72,26,000 रुपये की लागत से बने सीसी रोड सामुदायिक भवन गौशाला का लोकार्पण करेंगे। वहीं वे गुरुवार को ही लोहारी बरसलाय और बामखल 16,00,000 रुपये से बनने वाले सामुदायिक भवनों और सीसी रोड का भूमि पूजन कर लाखों रुपये की सौगात दी। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के लिए बीता एक वर्ष बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा, इसके बावजूद प्रदेश की जनता का विकास करना प्राथमिकता रही। इस एक वर्ष में किसानों के 2,00,000 रुपये तक का कर्ज माफ किए। अभी हाल ही में कर्ज माफी का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है, इसमें भी बचे हुए किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कृषि मंत्री यादव ने किसानों से कहा कि किसी कारण से प्रथम चरण में यदि फार्म नहीं भर पाए तो द्वितीय चरण में 30 जनवरी तक का अवसर है। इसके अलावा जिन किसानों ने दावा आपत्ति प्रस्तुत की थी उनका भी निराकरण आवश्यक रूप से कर दिया गया, यदि पात्रता रखते हैं तो कर्ज से मुक्त किया जाएगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। प्रोग्राम था, इसमें क्या क्या योजना के लिए था? आज तो विशेष रूप से मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता साथी हैं, मतदाता साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए आज मुझे बीच आया। आज सब उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास किया, मुझे अपना नेतृत्व प्रदान करने का अवसर दिया और आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे मध्य प्रदेश में देश के सबसे युवा कृषि मंत्री होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और हमारा और हमारे पार्टी का ये प्रयास है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हम दे सकें, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो उनके ग्रामों में आंतरिक सीसी रोडों की व्यवस्था हो और भी जितनी भी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, चाहे उनके जो सांस्कृतिक और उनके जो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उन सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवनों की मांग हो, ऐसी तमाम सुविधाएँ जो है आज हमारे क्षेत्रवासियों को देने का काम है। आज कोई नई घोषणा यहाँ पे हमारी सरकार जो है घोषणा करने में विश्वास नहीं करती है, हमारी सरकार जो है काम करने में विश्वास करती है। घोषणा करने वाले तो आप लोगों ने देखा ही, इस प्रकार से जो है 22,000 से अधिक घोषणाएँ करी लेकिन एक भी घोषणा जो है कार्यान्वयन में नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल